यामा जंगल फॉरेस्ट में आ गए हैं, और जो जो हम पहले मतलब गलत जगह पर गए थे, अब हम सही अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भी उसी की तरह पहले की तरह बांस वांस ही है, और भी है यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो वहाँ पे थी। हाँ, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ये रोड बनी है, शायद गाड़ी भी जा सकती है लेकिन जाने नहीं देगा, इतना रास्ता है यहाँ पे उसके लिए। और अब अंदर जाके देखते हैं, पहले जो चेक किया था कि हेल्थ वेल्थ चेकअप भी होगा यहाँ। नया लोग यहाँ क्यों आते हैं वो भी आपको बताएंगे। भाई वो वाला गाड़ी के सीज में कर दे। कौन सा वो गाड़ी? मैन। हाँ, यहाँ पे एक वो भी है जो रिक्शा होती है, वो हाथ वाली जो एक आदमी लेके चलता है, पीछे एक बैठता है ऐसा, जो पहले पुराने टाइम में होती थी वो भी है, वो भी दिखाएंगे आपको, उसमें बैठ के भी देखेंगे अगर ज़्यादा पैसे के ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव ना हुआ। हाँ, फिर कुछ हो कुछ है तो बांस के, बांस के सिवा कुछ नहीं दिखा। दो 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 लड़की थी और एक एक और अच्छा सामान देख 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 उसके सिवा और कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पे मंदिर सा जिंजा भी है, ये ऐसे करके देख लो, दर्शन भी कर दिया, दर्शन भगवान अंदर है। हाँ, भगवान अंदर, गर्मी है ना। अब पूछते हैं यहाँ से कैसे अंदर जा सकते हैं। ये चले जाइए, खुला था 500 500 या बच्चे का लगता है 300 और बड़े का लगता है 500 और 4-5 तो बच्चे ही है। चार पाँच तो बच्चे लग देगा, दो जुरुक्स है नाम से मतलब हमने टिकट ले लिए और अंदर बढ़ने की तैयारी है। अंदर वो उसने बताया जैसे कि गार्डन के सिवा और कुछ नहीं है, गार्डन और जो आप देख सको वो, उसके सिवा कुछ नहीं है। अभी वो बात सामने बताया, देखो बताओ, इस बांस को देखने के लिए लोग आते हैं और एडवाइस देते हैं। आप भी जाइए, ये देखी किस चीज की फोटो ले रहा है बताओ। पहली बार देख रहा, थोड़े सिनेमेटिक शॉट दे भाई, क्या करता है ये इस फोटो में, देखिए क्या हो रहा है। ये बैठने का है, यहाँ पे खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं है। क्या बा, हुआ भाई? बांस देखने आए हो? बांस देखने आए हो? इन इन भैया को जरूरत है कि बांस जरूर देखना है, बांस देखे बिना क्योटो से नहीं जाएंगे। सब मंदिर देखने आते हैं, मंदिर के लिए फेमस है क्योटो। अब बांस कोई कमेंट में डालेगा कि खरल भैया के बांस क्यों ना डाला तुमने, मारने के बाद में सबके बांस सही है ना। ऐसे कैमरा सेट करना, ऐसे होना चाहिए, पैर देखना नहीं चाहिए, बस बेम्बो और वो देखना चाहिए। ओके 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 सेट करना टेबल पे। ओके जो आ गया बिल्ला मार, तो हमारा फोटोशूट चलेगा, आप थोड़ा रेस्ट करो। तो वहाँ ऊपर क्यों? हाँ, ऊपर ना देखो, तो अभी कुछ थोड़ा बहुत फोटो शूट ख़त्म हो गया हमारा ग्रुप फोटो, और अब अंदर जाने लग रहे हैं। अंदर कुछ ऐसा मंदिर की तरह है, ये जो मेरे पीछे है ये है, ऐसे थोड़ा दिख रहा होगा आपको। अभी हर जगह कोविड की वजह से लोग कम है, वैसे अच्छा है हर चीज़ देख सकते हैं, पर कुछ जगह कोविड की वजह से बंद भी है, ज़्यादा लोग हो तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे सब सुनसान है, यहाँ पे जापानी लोग प्रेयर करते हैं, कोई इवेंट होता है तब मैं एक बार आया था जब मैंने देखा था, दारू वारू रखी होती है बहुत सारी, और इसमें यो एक बॉक्स है, इसमें सब पैसे डालते हैं जिसकी जितनी अच्छा हो। और यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, मेंटेनेंस
वर्कर मच्छर का दूध बाल और ये खान जी है सीन अच्छे हैं और ये लड़की है हमारे सामने ये इसको घर में लग रही है छोटा पंखा ले रही है छोटे कपड़े भी ला रहे छोटे कपड़े ब कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं करते क्योंकि हम पर हमारे भी आज छोटे हैं इसलिए कुछ कमेंट नहीं करेंगे छोटे कपड़ों से छोटे कपड़े कट गए हिसाब किताब बराबर होगा वो कितना अच्छा लगता है वहाँ पे कितना अच्छा वो आएगा वो देखो क्या सुंदर नज़ारा है इधर का इधर अच्छा गार्डन है ये देखो लाइन में क्यों बैठे हो हाँ ये कितने ये इनका रीजन है लाइन में बैठने का ये सब सोशल डिस्टेंस से और काला भाई तो कोविड का बहुत ध्यान रखता है देखो सबसे दूर है और ऐसा ऐसा है कुछ बम्बू फॉरेस्ट से बाहर निकलने लग रहा है ये सुर बाहर निकलने का और अंदर जाने लग रहा है ऊपर की तरफ कि इसमें क्या है जैसे ऐसे ऊपर चढ़ाई दिख रही होगी तो अब थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं किसमें ये क्या है पास में ट्रेन भी आया था ब्लॉग बना इनका काले भैया का कोई फोटो फोटोग्राफर हो कोई अच्छी सी लड़की इन भैया के लिए भेज दो ऐसे ऐसे ये इतने हैंडसम है इनको चाहिए दोस्तों हम अभी आए हैं जगह का नाम क्या बोलते हैं बैम्बो फॉरेस्ट क्योटो ये पड़ता है वो जापान की क्योटो शहर पे ये क्योटो शहर पे इलाका वो जापान का राजधानी भी था इसने बहुत हिस्ट्री वो की है यहाँ पे जापान में सबसे ज्यादा मंदिर भी है हाँ मंदिर भी है इसलिए हम घूमने के लिए आए हम इस टूरिस्ट पैलेस पे आज घूमने के लिए आए हैं ये आपको कैसे लगा अच्छी लगी लेकिन पैदल चलने के बहुत ऐसा 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 वो क्या बोलते ऊपर नीचे करना पड़ता है इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई पहाड़ों जैसा रास्ता हाँ एवरेस्ट में बहुत रमैला हुआ एंजॉय लिया ओ इधर भी बहुत फूल भी है और सबसे लास्ट में शायद ये रास्ता बाहर निकलने को है और ये पानी के अंदर ये कुछ ऐसा फोलिया था ऐसा नज़ारा है सीन का हाँ ये बड़े दाई की शादी हुआ है भाभी बहुत सुंदर ऐसा है सुना है लेकिन मैं तो वायरल नहीं हो जाऊंगा ऐसे ढंग से और खाना भी बहुत अच्छा बना दिया जिसको भाभी से भाभी के हाथ का खाना है उल्टा भी बोल दिया क्यों सब उल्टा बोल दिया उल्टा कैसे ये खाना बनाते हैं भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसको उनके हाथ का खाना खाने है कमेंट करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइबर होते ही आप हमारी फैमिली में ऐड हो जाओगे और आपको हम इनवाइट करेंगे लंच और डिनर के लिए ओके भाई जल्दी अभी दबाना रेड बटन दबाना और उसके ऊपर एक घंटा का निशान भी है उसे भी प्रेस करना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा नया डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ हम जाएंगे जो माउंट फुजी है तो वो भी आपको देखने में शायद अच्छा लगेगा इंटरेस्टिंग होगा वो भी शायद आपने देखा होगा क्योंकि वो जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अभी दबाइए आपके हाथ से कुछ छूट मत जाए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ठीक है वो जिसकी मैं बात कर रहा था वो रिक्शा वाले की जो आदमी लेके चलते हैं वो कुछ इस तरह की दिखती है मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह की ये मतलब कि ये पहले टाइम में चलती थी ये अब भी चलती है इनको पैसे दो और ये आपको पार्क घुमाएंगे इससे ही ये हाथ से लेके चलते हैं इसको वैसे शायद ये यहाँ पर अभी 3 रिक्शा खड़ी है और ये आपको पूरा पार्क दिखाएगा ये सूरजमुखी के फूल है इधर शायद गार्डन अच्छा है मतलब कि अब तो ज़्यादा गर्मी है धूप है थोड़े से शाम के टाइम आएंगे तो और अच्छा लगा क्योंकि गर्मी कम हो जाएगी और अच्छा एक्सपीरियंस था अब क्योटो के ही कुछ और फेमस डेस्टिनेशन पर जाने की शायद प्लान है अगर टाइम मिला तो जाएंगे वहाँ पर